Hello and welcome back, students. Today we are here with a new chapter, and your chapter today is The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is an Indian writer and critic. Okay, and if we talk about this chapter mein wo ek lady ka portrait. Portrait means character sketch. Pura ka pura charitra chitran kar rahe hain. Question is this, who is the lady here? यहाँ पर जो lady है वो कौन है? Author's grandmother, वो है author की दादी माँ, okay? तो इस chapter की अगर theme की आप बात करें कि chapter किस बारे में है, तो ये जो chapter है, is about the relationship of grandmother and grandson, कि जो grandmother और grandson का क्या relationship है, क्या रिश्ता है, क्या bond है, okay? उसमें कितने उतार चढ़ाव आते हैं, ups and downs आते हैं, किस तरह से उनके जो relationship है, बहुत सारे stages से गुजरते हैं, how it changes through the time, और कैसे इसमें बदलाव आते हैं, all that is depicted here, उस सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है, okay? और अगर टाइप की बात करें किस टाइप का चैप्टर है ये, सो दिस चैप्टर इज ऑटोबायोग्राफिकल. ऑटोबायोग्राफिकल मींस आत्मकथा है. आत्मकथा किसकी? ऑफ खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर, और उसकी ग्रैंडमदर की. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू विल गो थ्रू मेनी इमोशंस. बहुत सारे इमोशंस में से आप जाएंगे. हाउ द ओल्ड फील, कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो किस तरह से फील करते हैं, एंड हाउ द चिल्ड्रन व्हेन दे ग्रो अप, कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो किस तरह से उनके रिलेशनशिप पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं. दिस इज योर स्टोरी टुडे. ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट इन द वेरी फर्स्ट पैरा. पहले ही पैरा में द ऑथर गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. दोनों का डिस्क्रिप्शन देते हैं. About his grandmother says that my grandmother, like everybody's grandmother, was very old. कैसी है? बहुत ज़्यादा old. And she, I know her for 20 years. मैं 20 साल से उन्हें जानता हूँ. And she is old only. वो सिर्फ old हैं. मतलब मैंने उन्हें कभी young देखा ही नहीं. So first thing, she is old. Okay? Then he says she is wrinkled. उसके face पे बहुत सारे wrinkles हैं. Wrinkles means झुर्रियां हैं. ओके, क्रिस क्रॉस के बहुत सारे रिंकल्स हैं. एंड ही सेज इफ समबडी टेल्स मी, कोई मुझे ये बताता है, दैट योर ग्रैंडमदर यूज्ड टू बी प्रिटी, कभी सुंदर हुआ करती थी, यूज्ड टू बी यंग, सो दैट थॉट, ये जो थॉट, ये जो विचार है, ये मुझे बहुत रिवॉल्टिंग, बहुत अजीब लगता है. ओके, और कोई ये कहता है अगर शी हैड ए हस्बैंड, कि उनका एक हस्बैंड भी था, कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी थे, तो ये थॉट भी मुझे बड़ी रिवॉल्टिंग लगती है, बिकॉज मैंने ना तो उन्हें यंग देखा है, ना प्रिटी देखा है, ना ही उनके हस्बैंड को कभी देखा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्ट्रेंज, ये सारी चीजें मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगती हैं. ओके, तो ये ऑथर बता रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में. एंड देन ही टेल्स अबाउट हिज ग्रैंड फादर. ग्रैंड फादर के बारे में क्या बताते हैं? दैट हिज पोर्ट्रेट, कि उनका जो पिक्चर है, हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर लटका रहता था. एंड हिज ग्रैंड फादर टू, और उसके जो ग्रैंड फादर थे, ही वॉज टू मच ओल्ड, वो भी बहुत ज्यादा बूढ़े थे. दैट मीन्स ऑथर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या कह रहे हो, दैट वन कैन नॉट ग्रो ओल्डर देन दैट, कि कोई व्यक्ति इससे ज्यादा बूढ़ा हो ही नहीं सकता. हिज ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड फादर वोर ए टर्बन, टर्बन पहनते थे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहनते थे. ओके, ही हैड बियर्ड, उनकी दाढ़ी थी, दैट वॉज सो लॉन्ग दैट इट कवर्ड हिज चेस्ट, उनकी पूरी चेस्ट को कवर कर लेती थी. ओके, एंड ही सेज माई ग्रैंड फादर लुक लाइक अ ग्रैंड फादर ओनली, वो सिर्फ ग्रैंड फादर जैसे दिखते थे, ऐसे कभी नहीं दिखते थे कि वो किसी के हस्बैंड हो सकते हैं. ओके, सो इन द फर्स्ट पैरा वो सिर्फ थोड़ी इंटरेस्टिंग सी, थोड़ी फनी सी बातें बता रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में. ओके, एंड देन अगेन ही कम्स टू ग्रैंड मदर. फिर ग्रैंड मदर के ऊपर आते हैं, और जब ग्रैंड मदर उन्हें ये बताती थी कि मैं भी कभी चाइल्ड हुआ करती थी, मैं भी कभी गेम्स खेला करती थी, तो ऑथर कहते हैं ये चीज आई फेल्ट वेरी एब्सर्ड, मुझे बहुत बकवास लगती थी, दैट हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, शी इज सो मच ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी है, वो कैसे गेम्स खेल सकती है, कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर सकती है. द ऑथर सेज दैट व्हाट एवर हिज ग्रैंड मदर टोल्ड देम, कि जो भी उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बताती थी व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ही डिड नॉट बिलीव दैट ऑल, वो सब पे विश्वास ही नहीं कर पाते थे. एंड ही ट्रीटेड हर स्टोरीज लाइक द फैबल्स ऑफ प्रोफिट्स, और वो उनकी कहानियों को, जब वो ये कहती थी कि मैं एक बच्चा हुआ करती थी या गेम्स खेला करती थी, तो वो उन चीजों को प्रोफिट्स की, फैबल्स की तरह, यानी अनबिलीवेबल थिंग्स की तरह, या पैगंबर की दंत कथाओं की तरह ट्रीट करते थे. ओके, इन द सेकंड पैरा अगेन ऑथर टेल्स हर सम क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज, कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं. व्हाट ही सेज दैट हिज ग्रैंडमदर वाज शॉर्ट एंड फैट, स्लाइटली बेंट, थोड़ा सा झुकी हुई थी. शी वॉज टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी थी. शी हैज रिंकल्स ऑन हर फेस वॉज पकर्ड, सो शी वॉज नॉट प्रिटी बाई फेस, वो सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ब्यूटिफुल बाई हार्ट, बाई सोल, वो सोल से,
आत्मा से दिल से बहुत सुंदर थी. शी यूज टू हॉबल, हॉबल करना यानी लंगड़ा कर चलती थी, वो लड़खड़ा कर चलती थी. एंड एज शी वॉज अ विडो, जैसे कि वो एक विडो थी. शी वोर स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी, वो जो साड़ी पहनती थी दैट वॉज टोटली व्हाइट स्पॉटलेस, कोई धब्बा कोई दाग उसके ऊपर नहीं था. एंड हेयर ही टेल्स, वो हमें यहाँ पर ये भी बताते हैं, ये भी इशारा देते हैं दैट हर ग्रैंड हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस, बहुत धार्मिक थी. ऑलवेज शी कैप्ट द बीड्स ऑफ रोजेरी, मोतियों की माला अपने हाथ में रखती थी. एंड शी यूज टू टेल दैट रोजेरी, वो उस रोजेरी को पूरे दिन फिराती रहती थी. ओके, सो यहाँ पर हमें टच मिलता है, ये इशारा मिलता है दैट द ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस. ओके, देन द ऑथर कंपेयर्स हिज ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर को किससे कंपेयर कर रहे हैं. She was beautiful like winter landscape. वो इतनी सुंदर थी जितना कि माउंटेन्स में आप जाइए, पर्वतों में आप जाइए, वहां पर विंटर में सर्दियों में लैंडस्केप जितना सुंदर होता है, एकदम व्हाइट होता है, बर्फ बिछी हुई चारों तरफ. सो सेम वे हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल इन दैट व्हाइट साड़ी. ओके, एंड शी लुक्ड लाइक द इमेज ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट. उन्हें देखकर आपको लगेगा ओके शी इज वेरी पीसफुल, बहुत शांति है इनमें, बहुत संतुष्टि है. एंड शी लुक्ड प्योर वाइट सेरेनिटी, फुल ऑफ पीस, शुद्धता उनमें दिखाई देती थी, आप उन्हें देखेंगे तो. ओके, सो ऑल दीज आर द क्वालिटीज ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर की क्वालिटी है जिनको देखकर आप प्योरिटी को फील करेंगे, आप कंटेंटमेंट को फील करेंगे, पीस को फील करेंगे, सरेनिटी शुद्धता को, इन सारी चीजों की फीलिंग आप में आएगी. और उन्हें देखकर आप भी कह सकते हैं दैट यस शी लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप, कि वो विंटर के लैंडस्केप की तरह प्योर व्हाइट दिखती है. फर्दर द ऑथर टॉक्स अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर के साथ उसका जो रिश्ता था वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरा. ओके, तो वन बाय वन वो हर स्टेप के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं. ओके, सबसे पहले वो बता रहे हैं व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चे थे. एंड ही यूज्ड टू लिव इन विलेज विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही विलेज में रह रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स हैज मूव्ड टू द सिटी, और उसके जो पेरेंट्स है वो सिटी में शहर में रहने चले गए थे. सो एट दैट टाइम हिज ग्रैंड मदर टुक अटमोस्ट ऑफ हिज केयर, उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी. शी डिड एवरीथिंग फॉर हिम, उसके लिए हर काम करती थी, वेकअप करती थी, जगाती थी, उसे मॉर्निंग प्रेयर बोल के सुनाती थी, बात करना, ड्रेस करना, वुडन स्लेट उसे देती थी, चॉक देती थी ताकि वो पढ़ना लिखना सीख सके. शी यूज टू गिव हिम ब्रेकफास्ट ऑफ स्टेल चपाती, बासी चपाती का उसे ब्रेकफास्ट देती थी. एंड ऑल्सो वेंट स्कूल विद हिम, और उसके साथ स्कूल भी जाती थी. ओके, एंड हेयर ओनली वी कम टू नो, और यहां पर हम फिर से ये पता लगा पाते हैं दैट द ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस लेडी, की वो रिलीजियस थी. वाय हाउ, देखिए that whenever she went outside, जब भी वो बाहर जाती थी with him, उसके साथ में, she used to take chapatis with her, वो अपने साथ chapatis लेकर जाती थी, so that she could feed the village dogs, ताकि वो dogs को feed कर सकें, dogs को खाना खिला सकें. she used to recite prayers, पूरे दिन prayer प्रार्थना बोला करती थी. and when she went to school with him, जब वो उसके साथ school जाती थी, she used to stay in the temple, वो temple में रुका करती थी. एंड रीड स्क्रिप्चर्स, और जो धर्म ग्रंथ है वहां पर उनको पढ़ा करती थी. दैट मीन्स ऑल हर कॉन्सेंट्रेशन वॉज टूवर्ड गॉड. ओके, उनकी जो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन थी, जो सारा ध्यान था वो ईश्वर की तरफ था. ओके, धर्म की तरफ था. शी यूज टू बिलीव इन वैल्यूज, वो वैल्यूज में, मूल्यों में, अच्छी चीजों में विश्वास किया करती थी. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर. ओके, द सेकेंड स्टेज कम, सेकेंड स्टेज कब स्टार्ट होती है, व्हेन द ऑथर मूव्ड टू द सिटी, जब ऑथर कहां पर चले गए, सिटी में, उसके पेरेंट्स से अच्छे से सेटल हो गए. सो ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर बोथ वेंट टू द सिटी, दोनों सिटी में जाते हैं. एंड व्हाट ही सेज, क्या कहते हैं वो, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था. कैसे, देखिए, स्टिल दे शेयर द सेम रूम, उनका रूम अभी भी सेम था, बट नाउ हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट गो टू स्कूल विद हिम, उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, वो इंग्लिश स्कूल में जा रहा था, मोटर के बस के द्वारा जा रहा था. सो हिज ग्रैंड मदर स्टेड एट होम, वो अभी भी घर पर थी, बट स्टिल अभी भी उन्होंने जो अपनी रिलीजियस चीजें थी वो नहीं छोड़ी थी. देखिए, इन द विलेज शी वॉज फीडिंग द डॉग्स, विलेज में वो डॉग्स को फीड कर रही है. एंड इन द सिटी शी वॉज फीडिंग स्पैरोज, वो बरामदा में बैठ जाती है और स्पैरोज को फीड करवाती थी. ओके,
And when the author returned from school, author जब वापस आते हैं, she used to ask him questions about studies. Studies के बारे में पूछती. So the author told him English words के बारे में बताते. Western science की जो चीजें हैं, Archimedes का principle है, law of gravity है, पृथ्वी गोल है. ये सब जब उनको बताते, so she used to feel strange. उन्हें बड़ा अजीब लगता. She was not happy. वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी that what my grandson is learning. कि वो क्या सीख रहा है. There was no teaching about God and scriptures. उन्हें क्या लगता था कि इस स्कूल में ना तो गॉड ईश्वर के बारे में ना स्क्रिप्चर्स ना धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है. So she was not happy with his study. वो उसकी स्टडी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. One day the author told his grandmother that he was learning music in school. कि स्कूल में वो म्यूजिक भी सीख रहा है. So here the grandmother gets totally upset. वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है. Because she never liked music. उसे कभी म्यूजिक पसंद नहीं था. उसे क्या लगता था that music had lewd associations. कि म्यूजिक जो है इंसान को कामुक बना देता है. उसमें बुरी भावनाएं पैदा करता है. ओके और उसे क्या लग रहा था म्यूजिक वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स. कि जो या तो हार्लॉट्स जो होती हैं, वैश्याएं जो होती हैं, या बैगर्स, बैगर्स मीन्स भिखारी जो होते हैं, वही लोग सिर्फ म्यूजिक सीखते हैं, म्यूजिक का यूज करते हैं. इट इज नॉट मीट फॉर जेंटल फोक. जो जेंटलमैन है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो म्यूजिक को ना तो सीखते हैं और ना ही उसका यूज करते हैं. सो शी गॉट वेरी अपसेट. वो बहुत दुखी हो जाती है. एंड आफ्टर दैट शी रेयरली टॉक विद हिज ग्रैंडसन. वो अपने ग्रैंडसन से बात करना रेयर, बहुत ज्यादा कम कर देती है. ओके हियर द सेकंड स्टेज एंड्स. यहाँ पर सेकंड स्टेज खत्म होती है. देन द ऑथर टॉक्स अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ देयर रिलेशनशिप. Now the author has grown up into a young boy, young ho chuke hain, and now he has taken admission to a university. University mein admission le liya hai. Now one more change has come. Their rooms are now separated. Unke rooms ab alag alag ho gaye hain. Aur jo room ek common link ki tarah kaam kar raha tha unke friendship mein, that link was snapped now. Wo link bhi ab टूट चुका था. ओके एंड ग्रैंडमदर अब उनके पास सिर्फ दो काम रह गए थे. शी यूज टू स्पिन दैट व्हील. वो स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाती थी सारे दिन. एंड यूज टू रिसाइट प्रेयर्स, या सिर्फ प्रेयर किया करती थी. शी ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड, वो स्वीकार कर चुकी थी दैट यस आई हैव टू लिव अलोन. कि मुझे अकेले रहना है. शी हैड नो कंप्लेंट्स टू एनीबॉडी. वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी. एंड इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में हमेशा की तरह शी यूज टू सिट इन द वरांडा. वरांडा में बैठ जाती. शी यूज टू फीड द स्पैरोज. स्पैरोज को फीड करवाती. बहुत सारी स्पैरोज उनके पास आ जाती. सम यूज टू सिट ऑन हर आर्म्स, सम ऑन हर फीट. अलग अलग जगह पर बैठ जाती. दे क्रिएटेड बैडलम. बहुत ज्यादा शोर करती थी. बट ग्रैंडमदर लाइक ऑल दैट वेरी मच. उन्हें वो सब बहुत पसंद था. एंड दिस वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर. और ये जो हाफ आवर, आधा घंटा था स्पैरोज को फीड करने का, वो उनके पूरे दिन का हैप्पीएस्ट हाफ आवर हुआ करता था. ओके आफ्टर दैट द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज. अब्रॉड विदेश जाते हैं स्टडी करने के लिए. पूरे 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए वो वहां जा रहे हैं. एंड वेन ही इज एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट में है, वट ही इज फीलिंग दैट मे बी आई वुड नॉट सी माई ग्रैंड मदर अगेन. की हो सकता है मैं अपनी ग्रैंड मदर को दोबारा ही ना देख पाऊं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड है. मे बी वो तब तक जीवित ही ना रहे. ओके बट ग्रैंड मदर शी वॉज नॉट वेरी मच सेंटिमेंटल. उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं है. स्टिल शी इज बिजी. अभी भी वो बिजी है रिसाइटिंग प्रेयर्स. प्रेयर्स बोल रही है, बीड्स ऑफ रोजेरी अपनी माला फिरा रही है. ओके एंड वेन द ऑथर लीव्स, जब ऑथर जाते हैं, ग्रैंड मदर किस्ड हिम. वो उसे किस करती हैं. एंड ऑथर क्या करते हैं, उस किस को बहुत अच्छे से फील करते हैं. उस किस को अपनी यादों में संजो कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है दैट मे बी दिस इज द लास्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन मी एंड माई ग्रैंड मदर. कि शायद मेरा और मेरी ग्रैंड मदर का ये लास्ट कॉन्टेक्ट है. ओके बट दैट डिड नॉट हैपन. ऐसा कुछ नहीं हुआ. वेन ही रिटर्न आफ्टर 5 ईयर्स, जब वो 5 साल बाद आते हैं, हर ग्रैंड मदर वॉज स्टिल अलाइव. उसकी ग्रैंड मदर अभी तक जीवित है. एंड वेन ही सीज द ग्रैंड मदर, जब वो ग्रैंड मदर को देखता है, उन्हें क्या लग रहा है, शी इज दैट मच ओल्ड. कि अभी भी वो उतनी ही बूढ़ी है. नथिंग हैज चेंज्ड. उनमें कुछ चेंज नहीं हुआ. ग्रैंड मदर कम्स टू हिम, उसके पास आती है, क्लैप्स हिम इन हर आर्म्स. उसे अपनी आर्म्स में, मतलब बाहों में पकड़ लेती है अच्छे से. स्टिल ऑथर सुन सकते हैं. शी वॉज रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो प्रेयर्स बोल रही है. ओके एंड इन द इवनिंग, जैसे शाम होती है, What happens? A change came over the grandmother. Grandmother के अंदर थोड़ा सा बदलाव आ जाता है. Suddenly what she does? She stops praying. वो प्रेयर करना एकदम बंद कर देती हैं.
She takes an old drum, वो एक drum लेती हैं, collects the neighborhood women, आसपास की औरतों को इकट्ठा करती हैं, beats the drum, drum बजाती हैं, ढोलक बजाती हैं, start singing songs of the homecoming of warriors, warriors की homecoming के बारे में songs गाना start कर देती हैं, so this day was very different for her. ये दिन उनके लिए बहुत different था. ये पहली बार ऐसा हुआ था अब उनकी life में जब उन्होंने prayer नहीं की थी, जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, okay? And in the morning, what happened? अगले दिन सुबह क्या होता है? She fell ill. वो बीमार हो जाती हैं, okay? The doctor told, doctor क्या बताता है? That she has mild fever, कि उसको हल्का सा बुखार है, okay? Now grandmother regret. अब उन्हें बहुत दुख हो रहा है that why did I wasted my day? कि मैंने अपना दिन खराब क्यों किया? Why I did not pray? मैंने प्रार्थना क्यों नहीं की, okay? So सभी लोग protest करते हैं कि अभी आप prayer मत कीजिए, but she does not listen to anyone, किसी को नहीं सुन रही है. She starts praying, pray करना start करती हैं, rosary के जो beads हैं, अपनी माला हैं, उसको फिराती हैं. She lies in her bed, अपने bed में ही लेटी हुई हैं. And that what they notice, सभी लोग क्या notice करते हैं? That after some time she gets totally peaceful, एकदम peaceful हो गई हैं, उनके चेहरे पे pallor, एकदम पीला बन आ गया है. Her eyes are closed, उनकी आँखें बंद हो गई हैं. That means they all understand, वो सभी समझ जाते हैं that she is no more, कि अब वो इस दुनिया में नहीं है. तो इस तरह से thinking about God, God के बारे में सोचते हुए, prayers करते हुए, she leaves this world, वो इस संसार को त्याग देती है. Now the author's grandmother was dead, grandmother की मृत्यु हो चुकी थी, okay? And उनके जो funeral rites थे, जो अंतिम संस्कार के क्रियाकलाप थे, वो किए जा रहे थे. She was covered in a red shroud, उन्हें red color के shroud में लपेटा गया. She was laid on a stretcher, stretcher पर लेटाया गया. And when she was being taken for funeral, जब उन्हें funeral के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, thousands of sparrows came into the house. Thousands, हजारों की संख्या में sparrows आ गईं. They were sitting on the veranda, veranda में बैठी हुई थी, उनके rooms में बैठी हुई थी, okay? People went emotional on seeing the sparrows. लोग भी बहुत emotional हो गए थे. They could feel what kind of relationship, what kind of connection did they have with their grandmother. उनका कैसा रिश्ता था, okay? The sparrows, it appeared, were very sad, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, okay? When mother took bread for them, जब mother उनके लिए bread लाती हैं, उन्हें bread के crumbs खाने को देती हैं, they did not took any notice of that. वो भी उनका कोई ध्यान नहीं देती. And when the dead body was carried off, जब grandmother की dead body उनकी corpse को वहाँ से ले जाया जाता है, sparrows also flew away quietly. Sparrows भी चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं, okay? So in sparrows के through, writer के through, author के through, उनके जो family members की emotions हैं, उनके through हमें finally ये पता लगता है that how good was grandmother, कि grandmother कितनी अच्छी थी, okay? How religious she was, वो कितनी religious थी, how down to earth she was, वो कितनी down to earth, कितनी जमीन से जुड़ी हुई थी, okay? So students, today I am closing my class here only. यहीं पर अपनी class बंद कर रही हूँ. मिलेंगे in the next video with a new topic. Till then, goodbye.